हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. एक्टिव प्लीज. टुडे वी स्टार्टेड आवर UT2 चैप्टर 3, MS Excel 2016. इसमें हम क्या देखेंगे कि MS Excel में हम अपने किसी बिल वगैरह को कैसे बनाएंगे. जैसे कि आपके सामने एक बिल दे रखा है, ईट ड्रिंक रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें आइटम खरीदे, जैसे समोसा खरीदा, कोल्ड ड्रिंक, टी, आइसक्रीम लिया. समोसे की क्वांटिटी 4 थी तो उन्होंने 4 क्वांटिटी, उसमें उसका रेट था 20 था एक समोसे का रेट. और उसके बाद जब उन्होंने 4 समोसा लिया तो उसका रेट हो गया 80. इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक ली उन्होंने, टी या आइसक्रीम लिया, तो उसके नीचे उन्होंने टोटल कर दिया इसका. तो जब हम देखते हैं कि वैन वी गो इन अ रेस्टोरेंट, और जब हमें बिल देता है तो बिल रॉ एंड कॉलम में होता है, और उसमें कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ नंबर्स फिल्ड होते हैं उसमें, जैसे समोसा का नंबर 1 है, 2 है, 3 है. इस तरीके से जो हम MS Excel में हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं. कैलकुलेशन आर डन टू शो द अमाउंट यू हैव टू पे. जो भी अमाउंट हम देते हैं उसका उसमें कैलकुलेशन होता है. तो इसमें हम MS Excel में अपनी एक स्प्रेडशीट तैयार करते हैं. स्प्रेडशीट में हम उसमें रॉ एंड कॉलम्स होते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो कैलकुलेशन आर डन टू शो द अमाउंट यू हैव टू पे सच एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्प्रेडशीट. जो हम डेटा को अपने कोई चीज़ होती है उसे रॉ एंड कॉलम में जब अरेंज करते हैं तो उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. इन कंप्यूटर लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है. क्या होता है? इज एन एप्लीकेशन, एक प्रकार की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है. इट डज ऑपरेशन सच एज, जैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये डेटा को शॉर्टिंग करना, अरेंज करना इन रो एंड कॉलम में. स्प्रेडशीट यूज़ होती है जब हम कैलकुलेशन हमें की ज़रूरत होती है तो हम स्प्रेडशीट बनाते हैं. और सम प्लेसेस वी आर स्प्रेड, कहाँ कहाँ पे स्प्रेडशीट यूज़ होती है, जैसे स्कूल में टीचर्स लोग बनाते हैं स्प्रेडशीट को, जैसे हम अपने मार्क्स को मैनेज करते हैं. या फिर रेस्टोरेंट में एक बिल बनता है शॉपकीपर, शॉप में जब हम आइटम्स वगैरह लेते हैं तो उसका एक बिल बनाते हैं शॉपकीपर. बिजनेसमैन जो होते हैं प्लानिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं सेल्स का, या एक्सपेंसिव कितना खर्चा हुआ, कितनी प्रॉफिट्स हुआ उनको. और घर में हम ट्रैक करते हैं हमारा होम का जो एक्सपेंसिव है, घर में हमारा कितना खर्चा हुआ. तो इस तरीके से हम देखते हैं MS Excel में हम अपने स्प्रेडशीट तैयार करते हैं और उसमें हम अपने आइटम्स का टोटल बिलिंग बना. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ MS Excel. MS Excel के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं? MS Excel इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. सम फीचर्स MS Excel मेक इट यूजफुल, कुछ इसको बहुत यूजफुल बनाते हैं. जैसे कि फार्मूलाज कैन बी गिवन टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन. इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हर प्रकार के कैलकुलेशन को करते हैं. सिंपल एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं. कैलकुलेशन आर ऑटो, इसमें ऑटोमेटिक होते हैं कैलकुलेशन इफ इवन अ सिंगल डेटा इज चेंज. एक छोटा सा भी डेटा अगर चेंज होता है, ऑल कैलकुलेशन इन द एंटायर स्प्रेडशीट आर रीडन रेड वन ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. कुछ ही टाइम में सारे जो फ्रैक्शन होते हैं कुछ ही सेकेंड में वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. द स्प्रेडशीट कैन बी फॉर्मेटेड टू मेक द डेटा अट्रैक्टिव. हम स्प्रेडशीट इतनी अच्छी बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं कि डेटा जो है अट्रैक्टिव लगे एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए. डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफिकल फॉर्म सच एज बार चार्ट और पाई चार्ट में भी हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं MS Excel में हम कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम MS Excel ओपन करेंगे कंप्यूटर में और क्लिक करेंगे Excel 2016 पे, और वहाँ पे डेस्कटॉप पर हम देखते हैं अगर शॉर्टकट आइकन है उसमें तो वहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसको MS Excel को ओपन कर सकते हैं और एक ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो जाएगी. तो ब्लैंक वर्कबुक हैज़ वन वर्कशीट. ब्लैंक वर्कबुक होती है उसमें एक वर्कशीट होती है शीट 1 डिफ़ॉल्ट. उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें नेम को हम अपने चेंज कर सकते हैं. आल्सो ऐड मैनी, और ढेर सारी वर्कशीट भी हम अगर चाहें तो उस वर्कबुक में हम इस वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं. अब वर्कशीट लुक्स लाइक ए लार्ज टेबल. वर्कशीट कैसी होती है, एक बहुत बड़ी टेबल की तरह होती है. जैसे टेबल में रॉ एंड कॉलम्स होते हैं उसमें हम अपने टेक्स्ट डेटा को अपने एंटर करते हैं. इसमें कुछ रॉ एंड कॉलम होते हैं. यू कैन स्क्रोल थ्रू द रॉ एंड कॉलम यूजिंग द स्क्रोल बार. स्क्रोल बार से हम इनको रॉ एंड कॉलम को अरेंज कर सकते हैं.
नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि तत्व इसके इसके एक तो होता है रन कॉलम होते हैं, सेल होता है, नेम बॉक्स होता है, फार्मूला बाहर होता है। तो रॉ आर लेबल्ड 1, 2, 3 ना, रॉ जो होती है उसमें 1, 2, 3 करते हैं और उसमें मैक्सिमम 1048576 रॉ इन अ वर्कशीट में इस तरीके से होते हैं। कॉलम भी लेबल्ड होते हैं, A to Z होते हैं, ए होता है, A to Z होता है, B A B Z होता है, इस तरीके से कॉलम भी इसमें A to Z होते हैं। अब होता है सेल। सेल क्या होता है, आर रॉ एंड कॉलम मीट इन ए स्मॉल रेक्टेंगुलर कॉल्ड ए सेल। रॉ एंड कॉलम एक जब एक छोटे से रेक्टेंगुलर में मिलते हैं, मीट होते हैं वो, तो वो जगह क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। दिस इज़ वेयर डेटा सच एज टेक्स्ट एंड नंबर्स इज एंटर्ड। जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा और टेक्स्ट को, टेक्स्ट के नंबर को या अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं। ईच सेल इज़ आइडेंटिफाई बाय द कॉलम लेटर। ये जो एक सेल होता है उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, वो हमें क्या दिखाता है कि इसमें कॉलम में लेटर होते हैं या नंबर होते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस बोलते हैं। सेल एड्रेस किसको बोलते हैं, जिसमें लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टॉप लेफ्ट सेल लाइज इन कॉलम ए एंड रॉ 1, इट कॉल्स एड्रेस इज 1A1। जब हम क्लिक करते हैं एक सेल पे तो सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और ये रेडी हो जाता है रिसीव करने के लिए डेटा को। अ थिक ब्लैंक बॉर्डर, जो थिक ब्लैंक बॉर्डर होता है उसे हम बोलते हैं सेल पॉइंटर, और ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिव सेल को। सेल A1 इज़ द एक्टिव सेल इन स्क्रीन 1। तो यू कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग द एरो की। हम एरो की यूज़ करके इनको हम अरेंज कर सकते हैं। फिर होता है नेक्स्ट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, ये जस्ट अबव होता है कॉलम हेडिंग होती है, ऑन द लेफ्ट डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स जो होता है जस्ट अबव होता है कॉलम की हेडिंग होती है इसमें। फार्मूला बार में क्या करते हैं, नेम बॉक्स में हम नेम देते हैं। फार्मूला बार में हम क्या करते हैं, फार्मूला बार अबव द कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग होती है, डिस्प्ले द डेटा, डेटा को ये डिस्प्ले करता है, और फार्मूला यू हैव एंटर्ड इन द एक्टिव, और जो सेल में हम फार्मूला को एंटर करते हैं वो शो करता है। इस तरीके से हमें इसमें मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे रॉ एंड कॉलम होगा, सेल होगा, नेम बॉक्स होगा, फार्मूला बार इसके मेन कंपोनेंट हैं। एंटरिंग डेटा, जब हम डेटा को एंटरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एंटर्ड इनटू द एमएस एक्सेल वर्कशीट कैन बी ऑफ 3 types हम एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, फार्मूलाज। नंबर क्या है, नंबर सिंबल होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह होते हैं, एंड डेटा एंड टाइम, डेट होती है उसमें और टाइम होता है। बाय डिफॉल्ट नंबर आर राइट अलाइनमेंट इन ए सेल। तो नंबर्स जो होते हैं वो क्या है, राइट अलाइनमेंट होते हैं सेल की। अब टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें लेटर होते हैं, टेक्स्ट में नंबर होते हैं, स्पेसेस होते हैं, ऑन विच नो कैलकुलेशन आर डन, जिसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेल में लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं। फार्मूला कहते हैं, ये एंटर्ड फॉर डूइंग। फार्मूला में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला शुड बिगिन विद एन इक्वल साइन से फार्मूला हमेशा शुरू होते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर जो होता है इसे रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं पाता अगर हम उसे इक्वल साइन से यूज शुरू नहीं करेंगे। लेट अस मेक ए वर्कशीट कंसिस्टिंग ऑफ एग्जाम रिजल्ट ऑफ 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट है, उनके एग्जाम का रिजल्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम ब्लैंक वर्कशीट लेंगे और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं उनको एंटर करेंगे, जैसे मुकेश है, आलिया है, सलमा है, मनप्रीत है, जॉय है, तो इनके एक तरफ नेम लिखेंगे, पहले उनके सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फिर उनका सब्जेक्ट लिखेंगे कि मुकेश के साइंस में कितने, मैथ में कितने, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन 4 में एंट्रिंग मार्क्स, मुकेश के साइंस में 82 हैं, मैथ में 91, सोशल स्टडी में 86, कंप्यूटर में 88, इंग्लिश में 79 है। इस तरीके से जितने भी हम नेम होते हैं उनको एंटर करते हैं, मार्क्स को एंटर करते हैं और कितने उन्होंने मार्क्स लिए, इन सब चीज़ों को हम इसमें एंटर करते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, नेक्स्ट है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इन अ वर्कशीट यू कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वर्कशीट में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के वर्क कर सकते हैं, और ये हम कैसे कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम फार्मूलाज वगैरह का यूज करके हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं इसमें ऑटो सम भी होता है, इसका क्या यूज होता है, ऑटो सम प्रेजेंट होता है फार्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जब हम जाते हैं यहाँ पे हमें ऑटो सम मिलता है,
ये हम होम टैब में जाके देख सकते हैं। इसका यूज होता है सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल, सेल की जो रेंज है, यानी सेल में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जहाँ पे अपना डेटा और टेक्स्ट को हम एंटर करते हैं रॉ एंड कॉलम में, जहाँ इंटरसेक्शन होता है उस जगह को सेल बोलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटो सम का यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं रेंज ऑफ सेल का। तो सेल की जो रेंज है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम ऑटो सम में हमें जाना पड़ेगा। इसके बाद है फॉर्मेटिंग द वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे ये बताया गया है। द फॉर्मेटिंग टूल इन एम एस एक्सेल आर सिमिलर टू दोज इन एम एस वर्ड, जैसे एम एस वर्ड में जो होते हैं फॉर्मेटिंग के टूल्स होते हैं सेम एज वहाँ जो एक्सेल के भी फॉर्मेटिंग टूल इसी तरीके से होते हैं। टू मेक योर वर्कशीट मोर इंटरेस्टिंग, अपनी वर्कशीट को बहुत अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ईजियर बनाने के लिए, अगर हम आसान बना सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मेक द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम है, कोई सब्जेक्ट है, हमने कोई चीज़ ली, जैसे मैंने लिखा माई स्कूल के ऊपर, मैंने आपको दिया बच्चों लिखो माई स्कूल, तो माई स्कूल का जो सब्जेक्ट है वो आप किस में बनाओगे, बोल्ड में बनाएंगे। उसके बाद में जो स्टूडेंट का नाम हमने बोल्ड में लिखा, और जो हम राइटिंग लिख रहे हैं उस राइटिंग को हम इटालिक में भी लिख सकते हैं, और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मरून कलर रख दिया, कोई भी कलर रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। अब उसमें हमने जब हमारी वर्कशीट बन गई तो मैनेज करना है वर्कशीट को। हम देखते हैं एक बार कि हमारी वर्कशीट कैसी बनी है, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम उसमें कुछ चेंजेस करना मांग रहे हैं, जैसे कि किसी बच्चे का स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं जो 98 थे तो हमने 88 लिख दिए, तो उसको भी हमें चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ पे हमने बच्चे का स्टूडेंट के नेम मार्क्स एंटर्ड करें, उस सेल पे हम जाएंगे, वो सेल एक्टिव होगा, वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे और जो एक्चुअल में जो सही मार्क्स है वो वहाँ पे हम लिखेंगे 98। तो लिखने के बाद वो मार्क्स जो है ऑलरेडी अपने आप सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नोटिस कर रहे हैं, तो जो मार्क्स जो गड़बड़ हो गए थे उसे भी हम सही कर सकते हैं। अब आता है किसी वर्कशीट को रीनेम करना, उसका नाम जो है दोबारा से हम रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने वर्कशीट का नाम लिखा माय स्टूडेंट है, तो उसको हम चेंज करना मांग रहे हैं, कुछ और लिखना मांग रहे हैं, तो हम उसका नाम दूसरा नाम भी रख सकते हैं। कोई नई वर्कशीट हमें ऐड करना है वो भी हम कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट को भी ऐड कर सकते हैं उसमें, या कुछ वर्कशीट में हमने कुछ मिस्टेक कर दी तो डिलीट करना है वो भी हम कर सकते हैं, डिलीटिंग का ऑप्शन भी होता है इसमें। तो अब है हमने वर्कबुक अपनी बना ली, वर्कबुक में हमने ढेर सारी वर्कशीट बनाई है, तो वर्कबुक को हम सेव कैसे करेंगे, सेविंग करने के लिए हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में जाते हैं, वहाँ पे फाइल टैब होता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है। तो सेव एज का जो ऑप्शन आता है तो हम सेव एज डायलॉग बॉक्स अब हमें दिखाई देता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्डर आता है, फोल्डर में अपना नाम लिखेंगे, फाइल में फोल्डर का नाम लिखने के बाद उस फाइल को कंप्लीट करते हैं, नाम लिखने के बाद उसमें सेव का ऑप्शन आता है, सेव पे क्लिक करते हैं, इसके तरीके से हमारी फाइल जो होती है वो टेक्स्ट बॉक्स में हमारी फाइल जो होती है सेव हो जाती है। इस प्रकार से सेव के बटन आता है उस पर क्लिक करेंगे और हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एम एस एक्सेल होता क्या है, इसमें रॉ एंड कॉलम होते हैं, जहाँ पे रॉ कॉलम मिलते हैं वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे सेल होते हैं, उस सेल को हम अपना टेक्स्ट या अपने डेटा को एंटर करते हैं, एंटर करके ब्लैंक वर्कशीट आती है, उसमें हम अपने वर्क को करते हैं, वर्क को करने के बाद उसे हम अपनी वर्कशीट को कुछ मिस्टेक होती है तो उसमें एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसको बोल्ड इटालिक में लिख सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी वर्कशीट को, और उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि एम एस एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।